हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए देखिए, ये ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड का ये नोटिफिकेशन आ चुका है, तो मैं इसके बारे में आज फुल जानकारी दूंगा आपको। अगर जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आइकन को भी दबा दें कि जो भी वीडियो डालूँ आपको प्राप्त होती रहे। तो देखिए, ये पूरी प्रक्रिया यहाँ दिखाई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा ये जारी किया गया पोस्ट है आपका जनरल ड्यूटी, यानी कि जो नाविक का काम होता है। ये देखिए, जहाज़ और शिप से जो अपने समुंदर की रक्षा करते हैं, अपने कोस्ट एरिया की रक्षा करते हैं, ये है। ये आपको इंटरमीडिएट पे है पूरा, ये एलिजिबिलिटी इसका है इंटरमीडिएट, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होना चाहिए। इस ये पूरी प्रोसेस मैं बताऊँगा आपको कि कैसे कैसे इसमें अप्लाई करना है, एज क्या होना चाहिए, आपको कितना पेमेंट मिलेगा, इसमें क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2, यानी कि इंटरमीडिएट विथ आपको 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और आपका सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ फिजिक्स। आपने जो 10+2 किया है, इंटरमीडिएट किया है, उसमें आपका सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। और यहाँ पे एसटीएससी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है मार्क्स में। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हो गया। अब नीचे देखते हैं एज क्राइटेरिया क्या है। आपको 18 वर्ष से लेकर, यानी कि मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 22 वर्ष होना चाहिए। और जो एसटीएससी के कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और ओबीसी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पे ग्रेड, आपका बेसिक पे ग्रेड देखिए क्या होना चाहिए। अगर आप क्वालिफिकेशन क्वालिफाई कर जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको बेसिक 21,700 रुपया पे ग्रेड, यहाँ बेसिक पे मिलेगा आपको। लेवल 3 रहेगा उसका, ये लेवल बढ़ के 8 तक जाएगा। देखिए, तो आपका अगर प्रमोशन होता है तो आपका पोस्ट इसमें बनेगा प्रधान अधिकारी का, तो प्रधान अधिकारी का यहाँ लेवल 8 तक आपको 47,600 रुपया आपका वहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। अदर बेनिफिट, बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे वहाँ पे, जैसे मेडिकल की सुविधा आपको मिलेगी, पूरी फैमिली आपको भी, आपके पूरी फैमिली को। यहाँ क्लॉथ सारे आपको फ्री दिए जाएंगे, यानी कपड़े, ये सब पूरे रहेगी प्रक्रिया। और देखिए, इसमें बहुत सारे और दिया गया है कि गवर्नमेंट एकोमोडेशन फॉर सेल्फ एंड फैमिली ऑन नॉमिनल लाइसेंस फी, और ये सब बहुत सारे सुविधा इसमें आपको। ट्रैवल की बहुत सारी सुविधा दिया हुआ है कि 45 डे अर्न लीव आपको दिया जाएगा, और 8 डे कैजुअल लीव दे दिया आपको दिया जाएगा। आपको कहीं घूमने जाना है या आपको ये सब छुट्टियां दी जाएगी। इसके बाद बहुत सारे देखिए, यहाँ पे लोन की भी सुविधा आपको मिलेगी, और आपको मेडिकल की पूरे फैमिली की फैसिलिटी मिलेगी। और आपको देखिए, यहाँ पर पेंशन स्कीम दिया हुआ है, कमोडिटरी पेंशन स्कीम आपको दिया जाएगा, ग्रेजुएटी एंड ऑन ट्रीटमेंट के लिए भी ये सब फैसिलिटी दिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है इस फॉर्म को, देखिए 1 जुलाई से ही अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, और 10 जुलाई तक ये चलेगा आपका प्रक्रिया, यानी कि पूरे 10 दिन तक ये प्रक्रिया चलेगा। इसमें आपको देखिए, आपको आपका मदर नेम, फादर नेम आपको इसमें डालना है। अब अप्लाई करेंगे, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ www.joinindiancoastalguard.gov.in पे आपको जाके साइट पर वहाँ से लॉगिन करना है। उसके बाद अप्लाई में जाएंगे तो देखिए, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट और मार्क्स डालना है 10वीं क्लास का, और 12वीं क्लास का भी सेम वही प्रोसेस रहेगा, आपको मार्क्स ये सब डालना है। देखिए, मार्क्स जो होगा आपको राउंड ऑफ में करके नहीं डालना है, जैसे उसमें दिया रहेगा आपको पॉइंट में सब डालना है। आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो आपको आपको सही देना है, ये गलत नहीं दे देना है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, नहीं तो आपको कुछ भी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी। देखिए, आप ऑनलाइन जो अप्लाई करेंगे वो आपका पोस्ट रहेगा नाविक जनरल ड्यूटी का। उसके बाद आप देखिए, फॉर्म रजिस्ट्रेशन करके आप फिलअप करेंगे, उसको सबमिट कर देंगे, एग्री पर क्लिक करना है आपको, उसके बाद सबमिट आप करेंगे। देखिए, फ़ोटो जो आप लगाएंगे उसमें आपका देखिए रहेगा, आपका वो 200 DPI का रहेगा, और साइन रहेगा आपका, यानी कि 200 DPI का, यानी कि 10 KB से लेकर 40 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर 10 KB से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए।
उसके बाद सबमिट कर देंगे। कुछ भी गलत इसमें प्रोसेस आप एक बार जांच कर लेंगे कि कुछ कुछ मैंने गलत तो नहीं भर दिया है, उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। इसमें कोई फीस नहीं आपको भरने के लिए, इसमें कोई फीस आपका नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है, कोई फीस नहीं लगेगा इसमें। तो ये सब प्रक्रिया है, ठीक है। तो आपको उस साइट पे जाना है joinindiancoastalguard.gov.in पे, वहाँ से आपका पूरा प्रक्रिया ये चल। देखिए एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपका 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में आ जाएगा। वहाँ से आप उसी साइट से आप डाउनलोड करेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड के ही साइट से जाके आप डाउनलोड करेंगे इसको। अब देखिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ पर दिया हुआ है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड बिंग 3 कॉपी, आपको 3 कॉपी ले जाना है। एडमिट कार्ड के साथ आपको ले जाना है ये चीज। आपको लेटेस्ट एक फ़ोटो होना चाहिए आपको, जो ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो का। ये सब प्रोसेस है, 10th क्लास का मार्कशीट और ये क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट का मार्कशीट, ये सब आपको ले जाने हैं। आपको देखिए ये 10 जुलाई 2018 लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का। और आप देखिए जोन, यानी कि आप किस जोन में सेंटर अपना देना चाहेंगे, ये प्रक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है। नॉर्थ जोन के लिए दिया हुआ है, देखिए एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा जो रहेगा जलंधर में रहेगा, देहरादून, जोधपुर रहेगा, नोएडा रहेगा, बनारस रहेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है किस स्टेट में, यानी कि आप जोधपुर में डालेंगे, जोधपुर सेंटर, जोधपुर आपका एग्जामिनेशन जोन रहेगा। आपको जम्मू कश्मीर में भी सेंटर दे सकता है, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, देहरादून में उत्तराखंड, जोधपुर में राजस्थान दे सकता है, और नोएडा अगर आप ये रहेगा तो आपको दिल्ली दे देगा, हरियाणा दे देगा, यानी कि फरीदाबाद, गुड़गांव, ये सब दे देगा। NCR में आपको UP में अगर देगा तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये सब बनारस में देगा, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए आपको नॉर्थ ईस्ट जोन में आपको दे देगा गुवाहाटी दे देगा, प्रदीप में दे देगा या हल्दिया में दे देगा, और आपको कोलकाता में दे देगा। कोलकाता में दे देगा तो आपको बिहार और झारखंड में सेंटर पड़ेगा। ये देखिए स्टेट आपका बिहार और झारखंड होगा, वेस्ट बंगाल होगा हल्दिया में दे देगा तो, और प्रदीप में यानी उड़ीसा। यहाँ पर गुवाहाटी में देखिए जोन रहेगा मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये सब वहाँ के सिक्किम वक्म रहेंगे। वैसे ही दिया ईस्ट जोन का भी दिया हुआ है, यानी कि ईस्ट जोन में आप चले जाइए साउथ की तरफ, वहाँ सारी पूरी रहेगी, चेन्नई, सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम, ये सब रहेगा। वेस्ट जोन में आपका रहेगा भोपाल, कोचिंग, मुंबई, न्यू मैंगलोर, ये सब रहेगा। आपको ईस्ट जोन में आ जाइए, गुजरात रहेगा, पोर्ट ब्लेयर रहेगा, ये सब पूरी प्रक्रिया रहेगी। आपका सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, आप ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होगा, टेस्ट होगा, इसके बाद आपका लिस्ट जारी किया जाएगा। देखिए ये जो एग्ज़ाम होगा वो आपको सितंबर अक्टूबर 2018 में होगा, और उसके बाद आपको जिसका उसमें ज़्यादा मार्क्स आएगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा ऊपर से। और देखिए क्या क्या वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में, यानी कि क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का सारा रहेगा, उसमें मैथ पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, और फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, वो 12th क्लास के रहेंगे आपको, ठीक है ना। रीजनिंग रहेगा, उसके बाद आपका देखिए करेंट अफेयर्स से रहेगा कुछ, और GK से कुछ क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जनरल नॉलेज से कुछ क्वेश्चन रहेगा, ये सब सारी प्रक्रिया रहेगी। इसके बाद ये देखिए आपका कट ऑफ, जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद आपको देखिए फिजिकल चैलेंज के लिए कुछ आपको बुलाया जाएगा, फिजिकल फिटनेस आपकी टेस्ट करने के लिए। उसमें आपको देखिए क्या क्या होना चाहिए, 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग वहाँ दिया जाएगा, 7 मिनट में कंप्लीट करना है, और 20 स्क्वायर फीट ये सब आपका दौड़ होगा थोड़ा सा, और आपको पुशअप करने के लिए दिया जाएगा, ये सब प्रक्रियाएँ होगी वहाँ पे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या ले जाने हैं, पूरे ये प्रक्रिया होने के बाद जब आपका काउंसलिंग होगा तो देखिए 3 कॉपी ले जानी है, एडमिट कार्ड भी ले जाना है, 10th क्लास का मार्कशीट ले जाना है, सर्टिफिकेट ले जाना है, 12th क्लास का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले जाना है, उसके बाद कुछ आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जाना है, ID प्रूफ भी ले जाना है आपको, कुछ फ़ोटो भी ले जाना है, मेडिकल स्टैंडर्ड उसके बाद होगा लास्ट में। ये सब काउंसलिंग होने के बाद देखिए मेडिकल का दिया हो, मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होगा, आपको हाइट आपकी नापी जाएगी, देख इसमें दिया हुआ है मिनिमम हाइट 157, आपको चेस्ट नापी जाएगी,
ये सब प्रक्रियाएं होंगी छोटी मोटी। आपको देखिए एक प्रक्रिया ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि विजुअल स्टैंडर्ड आपका आँख का 6x6 होना चाहिए, जो अच्छा माना जाएगा। और देखिए एक आपके शरीर पर टैटू नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा वहीं पर पूरी प्रक्रिया। तो ये सब पूरा आपका मेडिकल में रहेगा। इसके बाद फाइनल जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उसको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, इसमें यही प्रक्रिया पूरी दी हुई है। तो इसके बाद आपको देखिए मैं बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।